सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें, चलिए शुरू करते हैं। देखिए एंड तक वीडियो को। सॉरी, इसको मैंने थोड़ा वीडियो को कैप्चर करने के लिए फोकस के लिए रखा था, इसका नहीं है भाई, मिटा दो। हाँ, शुरुआत करते हैं क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप की ट्रिक। देखिए दोस्तों, ट्रिक थोड़ी सी छोटी भी है पर ख़ास है, इससे बहुत सारे आपके फंक्शनल ग्रुप के नाम वगैरह निकल जाते हैं, ठीक है। ट्रिक है हमारे पास ऐसा कितनों का अल्कोहल ईंधन है, ऐसा कितनों का अल्कोहल ईंधन है। ओके, अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इनको एक सारणी के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास में है सारणी, इसको लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ध्यान से क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड लेता हूँ ए से, ए लेता हूँ यहाँ पर पहला, दूसरा मैं लेता हूँ यहाँ पर सा, अगला हो जाता है कितनों, इसमें से कित को लेता हूँ, फिर आ जाता है का, फिर आगे हो जाता है अल्कोहल, और इसके बाद लास्ट हो जाता है ईंधन। क्या हो जाता है? ईंधन, ठीक है, समझिए बात को ध्यान से। देखो ए से हो जाता है हमारे पास, यहाँ पर दो क्रियात्मक समूह निकलेंगे, ध्यान रखिए कितने क्रियात्मक समूह निकलते हैं, दो। एक तो हो जाता है एल्डिहाइड, ऐसा हो जाता है एल्डिहाइड, और दूसरा क्रियात्मक समूह निकलता है एमीन। एक तो हो जाता है एल्डिहाइड, दूसरा निकलता है एमीन, ठीक है। और तीसरा अगर निकालना चाहते हैं तो इससे और भी निकल सकता है एस्टर। क्या निकल सकता है? एस्टर, ठीक है। अब दोस्तों सासा हो जाता है यहाँ पर हमारे पास साइनाइड, क्या हो जाता है? साइनाइड। और इसके अगर कित से निकालना चाहे तो यहाँ पर आपका निकल जाता है कीटोन, क्या निकल जाता है? कीटोन। कहाँ से देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कहाँ से देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। और दोस्तों अल्कोहल से अल्कोहल ही निकलता है ना, एज इट इज़ वही रहेगा, अल्कोहल से अल्कोहल ही निकलेगा। और ईंधन, ईंधन से आप देखेंगे तो इससे निकल जाता है इथर, क्या निकल जाता है? इथर। ओके, तो इतने सारे हमारे ट्रिक के माध्यम से फंक्शनल ग्रुप निकलते हैं। अब इसके समूहों को देखते हैं हम, ठीक है, इसके समूहों को हम देखते हैं, फिर आगे आ जाएगा इसके पूर्व लग्न और अनुलग्न, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, पूर्व लग्न और अनुलग्न। देखिए ये है फंक्शनल ग्रुप, और इसमें हम ग्रुप को लिखेंगे, समूह को यहाँ पर लिखेंगे, इसके समूह क्या है देखिए ध्यान से। एल्डिहाइड का समूह हो जाता है CHO, एमीन का समूह हो जाता है NH2, एस्टर का समूह हो जाता है RCOOR-, ठीक है। साइनाइड का देखा जाए तो हो जाता है CN, कीटोन का देखो C OO, और ये दो कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का देखो COOH, अल्कोहल का देखिए OH, ठीक है। आगे इथर का देखिए, इसका हो जाता है ROR-, ठीक है। हाँ जी, शुरुआत कर लेते हैं इसके आगे के बारे में। अब हम इधर लिखेंगे इसके अनुलग्न, और अनुलग्न को इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? सफिक्स। और यहाँ पर हम देखेंगे पूर्व लग्न,
पूर्व लग्न को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेफिक्स, प्रेफिक्स ठीक है। इसके अनुलग्न और पूर्व लग्न को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे कि एल्डिहाइड की बात करूँगा तो एल्डिहाइड होता है इसका अनुलग्न हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर एल, ओके। एमिन का अनुलग्न देखा जाए तो एमिन का अनुलग्न हो जाता है एमिन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मात्रा होती है वो हट जाती है, इसका अनुलग्न वही होगा, एमिन ही होगा, ओके। इसके बाद एस्टर का अनुलग्न हो जाता है ओएट, और इसका पूर्व लग्न हो जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल, ओके। हाँ, इसके भी बाकी रह गए। तो देखिए एल्डिहाइड होता है, इसका जो पूर्व लग्न होता है इसको हम कहते हैं फॉर्मिल, फॉर्मिल, या इसको ऑक्सो भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपका एल्डिहाइड होता है इसका ऑक्सो हो जाएगा या फॉर्मिल होगा। उसी प्रकार से कीटोन जो होता है इसका भी पूर्व लग्न ऑक्सो होता है, इसका भी पूर्व लग्न क्या होता है, ऑक्सो होता है, ओके। आगे एमिन का हो जाएगा हमारे पास में एमिनो, एमी नो पूर्व लग्न, ठीक है। सी एन, सी एन को हम कहते हैं यहाँ पर नाइट्राइल, और इसका पूर्व लग्न हो जाएगा साइनो, क्या हो जाता है, साइनो। आगे देखते हैं कीटोन का, कीटोन का देखा जाएगा तो ओन हो जाएगा, और इसमें पूर्व लग्न हो जाता है ऑक्सो। सी डब्ल्यू एच का होएगा ओइक अम्ल अनुलग्न, ओइक अम्ल, और पूर्व लग्न हो जाता है कार्बोक्सिल, ठीक है। आगे देखिए अल्कोहल का हो जाता है ओल अनुलग्न, क्या हो जाएगा, ओल, और पूर्व लग्न हो जाता है हाइड्रोक्सी, ठीक है। लास्ट है ईथर का देखते हैं, ईथर का कोई अनुलग्न नहीं है और इसका केवल ही पूर्व लग्न है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। तो दोस्तों ये था ट्रिक के माध्यम से आप फंक्शनल ग्रुप कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।